तो इन सबके जोहार। आज हम इन यहाँ श्री विधिगत खेती कर ली रहे, शेकर कसन उपज हल के शेकर मूल्यांकन करे के लिए हम इन यहाँ आज सबको जमा हली है। मूल्यांकन का है वाला दादा? वो क्या हम इन्हें मूल्यांकन करके दिखाब और बताब। तो इन दीदी सब जान गला निकावित्री दीदी खेती कर लें श्री विधि से। चला हम इन उमन उकर खेत में जा बार देखब और सीखब। चला सर। कैसे करवा दीदी? ई एक एक बाय एक मीटर कर फ्रेम बनाल है कई, ई पाइप कर बनाल है, ई लकड़ी कर बांस कर भी बनैला एक बाय एक मीटर कर, ठीक ने? लेकिन एखन हम इन पाइप कर बना ही ई खेत में हम इन पांच जगह से एक बाय एक मीटर में नापबे यार। जितना इकर बीच में पौधा आते ने उ पौधा के काटबे यार उके मिसब। एके पांच जगह काहे ले लगाबा दीदी? के पांच जगह इसलिए लगाबे कि सब जगह उपज बराबर नहीं हो वेला, से ले कम समान उपज हम इनके जाने के लिए पांच जगह के लगाबे यार जांच करबे। अब एक कैसे करवा करके दिखाई दिया? चला दीदी के खेत में लगा के हम इन नाइप के यार दिखाई देबो। दीदी इके ई जे पाइप थर्मा बनाल है एक बार एक मीटर बाय एक मीटर कर है गई, इके आप हम यहाँ रखब और इकर बीच में जितना पौधा आवी से के गिन के काटब। इसने है करके हम इन पांच जगह से काटब। दीदी के घुसावा उ पाइप के घुसावा, जितना इकर में पौधा आवी सबके काटे के है। ए दे बताए दो अथी गिन के, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस। सराय वाला के तो काट ली, आप चला जहाँ बिना सराय से अथी लगा ला है से धान के काट के देखो। हाँ चला तब उखो काट। ए इतना ही कर में काला हो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस काला है। अब ये धान के का करबे? अब चला एसरा या नन एसरा दुयो के मिस के यार दाना के अलग करब, पोवाल से हटाए देबे। अब इके चला हम इन 1000 दाना गिनती करब। दादा ई सब दाना 1000 काले गिनवात? दीदी इसलिए गिनवात है उनकी श्री विधि से जे खेती कर रही नहीं सैकड़ों दाना 1000 गिनवात ही, यार जे बिना श्री विधि से खेती कर रही सैकड़ों दाना 1000 गिनवात ही। और दुयो कर दाना के साफ करवा के देखब कि कितना उकर में कौन पुष्ट है, श्री विधि वाला पुष्ट है कि बिना श्री विधि से करी खेती से वाला दाना पुष्ट है, उनके वजन करब से ले तो इनके गिनवा थी। दीदी श्री विधि वाला धान है के इकर इकर में 1000 धान है, इकर में वजन 30 ग्राम। बिना श्री विधि कर हो दीदी 1000 दाना, 1000 दाना में 25 ग्राम हो। दीदी एसराय खेत से खेती करी से खेत से हम इन पाँच जगह से धान काट के आन ली 25 स्क्वायर मीटर से, और बिना एसराय से खेती कर रही सैकड़ों से हम इन पाँच जगह से काट ली 25 स्क्वायर मीटर में। देखा एसराय से खेती कर रही सैकड़ में पुआल मोटा मोटा भी है और बाली लंबा लंबा है,
और इकर में पुआल भी ज्यादा है और उकर में ज्यादा दिखे लगा बिना सराय वाला से खेती करी से कर में कम दिखे ला नहीं। अभी धान के का करबे आप चला सब है कोई मिल के मिस सब चला मैं सब अबे के का करबे चला अभी के एसआरआई से जे खेती कर रही सेखो और नन एसआरआई से खेती कर रही सेखो दुयो के नापब कौन अधिक उपज लखे चला नापबे। श्री विधि वाला धान है के इकर में 5 जगह काए थी 25 स्क्वायर मीटर और इकर वजन 3 किलो 720 ग्राम है। बिना श्री विधि कर है को दीदी जेकर में की 1 केजी 400 ग्राम होय हो। अब एके का करबो और कुछ बाकी है दीदी एखन नापे खै सराय वाला और नन सराय वाला दुयो में पूरा ककर में अधिक है सके देखे खै श्री विधि वाला तो अधिक देखायला। हां वो अधिक है इस श्री विधि से खेती कर रही से धान कर पूरा लागे इकर वजन है 5 किलो 565 ग्राम ये बिना श्री विधि वाला धान कर पूरा लागे इकर वजन है 2 किलो 415 ग्राम। दीदी श्री विधि से खेती कर रही से कर अंतर के देखला। हां का अंतर है श्री विधि से खेती कर रही उकर पुआल भी ज्यादा है और उकर बाल लंबा है उकर में दाना भी ज्यादा है और उपज भी उकर अच्छा है। हम इन साल पारंपरिक खेती कर रही उकर में उकर बाल है छोटा और उकर उपज भी कम है लकर पुआल भी कम है तो अगले साल से हम इन श्री विधि कर खेती करब उकर में उपज ज्यादा है भी। दीदी हम इन श्री विधि और पारंपरिक विधि दुयो के अथी देख ली और इकर में उपज भी ज्यादा है लग पूरा भी ज्यादा है लग अगले साल ले हम इन कोशिश करब कि श्री विधि कर उपज अच्छा है वाला तो श्री विधि लगाव है ने। ठीक दीदी सबके जवाब।